हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है और अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। अगर आप हर महीने भी इसमें SIP करें फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और जब भी अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है और तब आप इस स्टॉक में अच्छी खासी पोजीशन बनाते हो तो बहुत बड़ी वेल्थ इस स्टॉक से आप बना सकते हो। तो कौन सा स्टॉक है उसके बारे में जानने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं और कंपनी का नाम है डीमार्ट। आप सभी जानते हैं डीमार्ट के बहुत सारे स्टोर हैं पूरे इंडिया के अंदर, और अभी इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। और किस लिए नहीं आया आप सभी को पता है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है तो इनकी सेल्स डाउन हुई है। इनके मैक्सिमम स्टोर्स होते हैं, ये बल्क में परचेस करते हैं किसी भी, आप देखें शूज हो गए, आपके डेली लाइफ की जितनी भी सारी चीजें हैं सब ये बल्क में परचेस करते हैं और आपको चीपर प्राइस पर अवेलेबल कराते हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, जिसे जैसे कोरोना की सिचुएशन अच्छी होती जाएगी और इनकी सेल्स वापस से इंक्रीज होती जाएगी और एक कंपनी फिर से अच्छा ग्रोथ करेगी। तो किसी भी एक क्वार्टर से आप कंपनी के बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी क्वार्टर में खराब रिजल्ट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस ही बंद हो गया या फिर कंपनी खराब है। तो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, और आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स देखिए आप, ग्रोसरी से रिलेटेड है, उसके अलावा डेयरी एंड बेवरेजेस, पैकेज्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होम एंड किचन, पर्सनल केयर, बेबी किड्स, उसके बाद देखिए अप्लायंसेस, फुटवियर स्पेशल, तो हर तरीके की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी ये सेल्स करते हैं। तो ये कंपनी धीरे धीरे वापस से इनका सेल्स अच्छा हो जाएगा तो प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, आपको इसका प्राइस बढ़ता हुआ ही मिलने वाला है। अब इस कंपनी का हम फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं किस तरीके से रहा है। तो आप देखेंगे इसको एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी आप बोल सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, और 1989 यानी कि 1990 रुपए के आसपास इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। लो कितना लगा है 1955 रुपए का और हाई लगा है 2019 रुपए का। रिटर्न्स की बात करें एक दिन में 0.86% डाउन है, वन वीक की अगर आप बात करेंगे तो वन वीक में देखो 14% से ऊपर ये स्टॉक डाउन है। तो अच्छा खासा लगभग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। वन मंथ की अगर आप बात करेंगे तो वन मंथ में देखिए लगभग 15% के आसपास में स्टॉक करेक्ट हो गया, और डीमार्ट जैसा स्टॉक अगर 15% करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी क्वालिटी कंपनी सस्ते प्राइस में मिलना अवेलेबल शुरू हो गया है। वन ईयर की बात करोगे तो वन ईयर में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 38.23% का रिटर्न दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज कैप की कंपनी है, मार्केट कैप देखेंगे तो 1,28,890 करोड़ का है, और इसका पी आप देखें ये 1989 पर आ गया, फिर भी इसका पी आपको हाई ही मिलने वाला है, और बहुत ज्यादा करेक्शन भी हो जाएगा तो भी इसका पी आपको हमेशा हाई ही लगने वाला है। और अभी जो है एनालिस्ट कम सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक को बाय करने का, वो भी मैं आपको टेक्निकल्स पर बताऊंगा कि किस रेंज में इस स्टॉक को ज्यादा बाय करना चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, सारी कितनी सारी चीजें जो है बल्क में परचेस करते हैं और आपको सेल करते हैं चीपर प्राइस में। फिर उसके बाद हम इसका पहले हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट किस तरीके के रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 2016 में देखिए टोटल रेवेन्यू कितना था, 9,195 करोड़ का। 2017 में देखिए 11,926 करोड़ का हुआ। फिर देखें 2018 में कितना है, 15,121, फिर 20,000, फिर 24,000। यहाँ पर नेट इनकम की अगर आप बात करेंगे तो 320 करोड़, फिर 478, 806, 902 और 1,301। अर्निंग पर शेयर भी लगातार इसका बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर नजर डालेंगे आप, जून क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए इसका रिजल्ट, सेल्स देखिए 6,256 करोड़ से गिरकर 3,883 करोड़ का हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 417 करोड़ से गिर के 112 करोड़ हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से 3% हो गया, और नेट प्रॉफिट देखें आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई जिसके कारण डीमार्ट में करेक्शन अच्छा खासा आ गया।
आपको एक जेन्युइन रीजन पता चल गया कि किस लिए डीमार्ट में करेक्शन आ रहा है। आपको सबसे बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, अगर करेक्शन आ रहा है, आपको अगर रीजन पता है और आपको कंपनी के बिजनेस पर ट्रस्ट है कि ये बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा, तब आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिजल्ट लगातार 4-5 क्वार्टर के खराब आ रहे हैं एक साल से, फिर भी आप उस स्टॉक में SIP कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। तो अच्छी कंपनी में बाय ऑन डिप्स करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.98% की है, म्यूचुअल फंड की 5.29% है, DIs की 5.98%, FIs की अगर होल्डिंग देखेंगे तो 10.41, अदर पार्टीज की है 8.61% की। तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। पिछले सेशन में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है वो भी देख लेते हैं, मतलब डिलीवरी कितना हुआ है। तो आप देखेंगे 17 जुलाई की डिलीवरी देखिए आप। अब जैसे ही स्टॉक का प्राइस नीचे आया, इसमें डिलीवरी होना अच्छा खासा स्टार्ट हो गया है। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, स्टॉक का प्राइस अब नीचे जा रहा है तो अब बाय करने से डरेंगे। लेकिन जब यही स्टॉक 2200-2300 पर चला जाएगा तो आप बहुत ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको HUL का एग्जाम्पल देता हूँ। HUL का आपने देखा होगा 1950 की रेंज में आया, तब आप लोग डर रहे थे HUL में और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, और 1950 से 2000 के बीच में बहुत दिनों तक रहा। और अभी आप उसका प्राइस देख सकते हैं और देख सकते हैं, पेशेंस रखा होगा अच्छे तरीके से, अगर बाय किया होगा उस टाइम पीरियड में, अभी भी शानदार रिटर्न आपको मिल रहा होगा। तो डीमार्ट में भी इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनी है, तो इन्वेस्टर है तो जरूर इसमें आप बाय कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर मैंने डीमार्ट के स्टॉक को लगा कर रखा है, 1990 का क्लोजिंग है, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 50 का जो हमारा मूविंग एवरेज है उस वो लाइन आ रही है हमारी 2030 की, 2030 के नीचे क्लोजिंग है, और उसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और वो लेवल आ रहा है हमारा लगभग 1966 के आसपास, यानी कि 1960 की रेंज आ रही है। जब मैंने इसके ऊपर फिबो ड्रॉ किया वीकली चार्ट पर, हाई से लेकर इसका जो भी लो बना है वहां तक फीबो जब ड्रॉ किया मैंने, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग रेंज आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो इस रेंज में आप लोग अगर जितनी ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक आ रहा है 1963 और एक आ रहा है 1822। तो आप देख सकते हैं जो 1800 से 1950-60 की जो रेंज है, इसके बीच में हर डिप पर आप डीमार्ट में अगर SIP करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। ये मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस है, आपके अकॉर्डिंग खुद से भी कीजिएगा और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।